था उसके इकलौते बेटे की बारात धूमधाम से शादी संपन्न कर वापस लौटते हुए एक जंगल में विश्राम करने के लिए रुकी। घनी खेजड़ी की ठंडी छाया, सामने हिलोरे भरता ताला। उस खेजड़ी में एक भूत रहता था। भूतों के इस टोले में ये इंसान कहां से आ गए, इसका पता अभी मैं लगाता हूं। औरत का ऐसा रूप और यौवन भी हो सकता है? देखकर भी ऐसे रूप पर विश्वास नहीं होता। कहीं कहीं बादलों का ठिकाना छोड़कर बिजली तो नहीं उतर आई? इन मद भरी आंखों की तो कोई उपमा ही नहीं। मानो तमाम कुदरत का नजारा इन आंखों में समा गया हो। हजारों औरतों का रूप देखा पर इस रूप की तो रंगत ही निराली है। खेजड़ी की छाया तक चमकने लगी। मैं दुल्हन के अंदर प्रवेश करूं? नहीं, इससे तो इसे तकलीफ उठानी पड़ेगी। पर यह तो अभी देखते देखते ही चली जाएगी। फिर हाँ, मैं दूल्हे के अंदर घुस जाता हूं। लेकिन दूल्हे के अंदर घुसने पर भी तो दुल्हन का मन तड़पेगा ही। ऐसे रूप को तकलीफ कैसे दी जा सकती है? इस रूप के तड़पने पर न बादल बरसेंगे, न बिजलियां चमकेंगी, न सूरज उगेगा, न चांद। कुदरत का सारा नजारा ही बिगड़ जाएगा। इस दुख के परस से तो मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। आंखों के सामने अंधेरा कैसा चलने लगा। यह दूल्हा कितना सौभाग्यशाली है, कितना सुखी है ये। रुको, रुको, रुक जाओ, रुक जाओ। विरह की इस कलंक के कारण ना तो जीना मुश्किल है और ना ही मरना। जीते भी ये जलन कैसे सही जा सकती है और मरने के बाद तो यह जलन बेकार। सबसे बड़ा सुख है, स्वयं भगवान भी पक्का हिसाबी है, हर एक के सांस का पूरा पूरा हिसाब रखता है। वर्षा के बूंद बूंद, हवा की रग रग और धरती के कण कण का उसके पास एकदम सही लेखा है। अब कुदरत के हिसाब में जब भूल नहीं हो सकती तो भला बनिए के हिसाब में भूल कैसे खट सकती है। कितने सुहाने, कितने मोहक। एक दफा बही से नजर हटाकर बाहर तो देखे, ये ढालू कितने सुंदर है। इन कांटों से कौन उलझे, जो एकदम जंगली होते हैं वे ही ढालू तोड़ते हैं और वे ही खाते हैं। खाना है तो मखाने खाओ, बताशे खाओ, चाहो तो मिश्री खाओ, पर इन ढालुओं की तो घर पर बात ही मत करना, लोग हंसेंगे। हंसने दो।
भी कम है। ऐसी बेवकूफी की बात फिर कभी मत करना, बापू नाराज होंगे। वे रूप की बजाय औरतों के गुणों का अधिक आदर करते हैं। अब मालूम हुआ, उनके डर से ही आप हिसाब में उलझे हुए हैं। पर सारी बातें अपनी अपनी जगह शोभा देती हैं। देखो, विवाह के समय हिसाब में फंसना ये कहाँ का न्याय है? देखो, विवाह होना था सो हो गया, पर हिसाब तो अभी बाकी है। विवाह के खर्च का सारा हिसाब संभाल कर ठीक तीज के दिन मुझे व्यापार के लिए दिसावर जाना है। ऐसा शुभ मुहूर्त अगले 7 बरस तक नहीं है। क्या कहा आपने? अब व्यापार के लिए दिसावर जाएंगे? पर हमने तो सुना है आपकी हवेली में दौलत के भंडार भरे हैं। इसमें क्या शक है, तुम अपनी आंखों से देख लेना। हीरे मोतियों के तो ढेर लगे पड़े हैं, पर दौलत दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती रहे तभी अच्छा है। दौलत तो अभी और बढ़ानी है, और व्यापार बनिए का पहला धर्म है। ऐसा शुभ मुहूर्त कैसे छोड़ा जा सकता है? मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि ये ढालू तो गंवारों के खाने की चीज है, अपन बड़े आदमियों को अच्छे नहीं लगते हैं। और तुम्हें भी अच्छे नहीं लगे तो फेंकने पड़े, धूप में जली सो अलग। अब इन हिंगानियों की खातिर तो जिद नहीं करोगी? अगर इनमें अच्छाई होती तो भला गड़ेरिये कब छोड़ते? सा उधर दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप सर झुकाए बैठी सोचती रही और बोली, इस पति के भरोसे घर का आंगन छोड़ा, जंगल सूनी हरियाली गहरी खेजड़ी गहरी छाया, पर कहां दुल्हन, कहां उसका खूबसूरत चेहरा, कहां उसके गुलाबी होंठ, कहीं कहीं ये सब स्वप्न तो नहीं था? चेहरा भी दिखता है, धुंधला धुंधला चेहरा, धुंधले वृक्ष,
धुंधली हरियाली, ये सब दुल्हन के चेहरे का करिश्मा है। अरे ये तो दूल्हा है, पर ये कहां चल दिया? इतनी खूबसूरत दुल्हन को छोड़कर के ये कहां जा रहा है? इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। इसका पता भी मैं रूप बदल करके लगाता हूं। राम राम भाई साहब। राम 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 राम। अरे अभी तो तुम्हारे विवाह के मांगलिक धागे भी नहीं टूटे, इतनी जल्दी कहाँ चल दिए? क्यों, मांगलिक धागे का दिशा और नहीं खुल सकते? अरे बिल्कुल खुल सकते, क्यों नहीं खुल सकते? पर ये इतना सारा सामान लेके किसी लंबी यात्रा पे निकले हो क्या? हाँ, परदेश जा रहे हैं व्यापार करने। अगर ऐसा मुहूर्त हाथ से चूक जाता तो अगले 7 वर्ष तक हाथ नहीं आने वाला। अच्छा, तो वैसे कितने दिन के लिए जा रहे हो? 5 साल के लिए। 5 साल? मतलब 5 साल तक वापस नहीं आओगे? नहीं। अच्छा, जय राम जी की। जय राम जी की। इसका मतलब अगर कल सवेरे ही इसका रूप धरकर सेठ की हवेली पहुंचा जाए तो 5 साल तक पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये तो खूब बात बनी, क्या उम्दा मौका हाथ लगा है। आगे की आगे देखी जाएगी, भगवान ने विनती सुन ही ली। अद्भुत था देखा यह दृश्य, अद्भुत था रस किया घुमर, सब्जी कुदरत इस तूफान में छिप गई, सारा ब्रह्मांड अंधकार हो गया, न आकाश दिखता है और ना ही सूरज, न पहाड़ न वनस्पति और ना ही जमीन। अरे ये क्या, पल पल उजाले का अस्तित्व फैलने लगा, कुदरत की छवि स्पष्ट दिखने लगी। अरे ये क्या जादू हुआ,
बीच राह से ही वापस लौट आओगे। ये तारों भरी रात इस अवसर पर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। इस संकल्प के स्वामी थे तो मेरे मना करने के बावजूद गए ही क्यों? मेरी मनौती सच हुई। इस पवित्र दूध में कीचड़ कैसे मिला? इसे चलने से बढ़कर कोई पाप नहीं। ये तो असली पति मान करके हुई है, पर इस अबोध प्रीत के साथ कैसे दगा करें? मेरी बात मानो, अभी भी तुम्हारे पास अवसर है। सारी सच्चाई उसे बता दो, उससे कुछ भी मत छुपाओ। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो, सारी सच्चाई उसे बता दो। इससे अच्छा अवसर तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेगा। मेरी बात मानो, 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 मेरी बात मानो। क्या मालूम मनौती सच हुई या नहीं, पहले पूरी छानबीन तो कर लो। कहीं मैं कोई दूसरा आदमी तो नहीं हूं? कोई मायावी तो तुम्हारे पति का रूप धर के नहीं आ गया? अपने सपने में भी पराये मर्द की छाया तक का परस नहीं होने देती तो खुली आंखों ये बात कैसे मुमकिन है? दूसरा आदमी होता तो मेरे शील की आग से कभी कब भस्म हो चुका होता। तब तो इसके शील में अवश्य ही खोट है। तुम भस्म हो जाते तो इसका शील सच्चा था। असलियत में दूसरा आदमी होते हुए भी जब तुम भस्म नहीं हुए तब तो इसका शील एकदम बुझा हुआ है। पर फकत चेहरे से क्या होता है? अगर वो सच्चा पति होता तो व्यापार के लालच में औरत की माया छोड़ सकता था। क्या उसने इसीलिए इसका हाथ थामा था कि विरह की आग में जलता हुआ छोड़कर इसको चलता बने? अरे कोई अंधा भी इस रूप की आभा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। तब वो आंखें होते हुए भी किस तरह अंधा बना? अग्नि की साक्षी में साथ फेरे लगा लिए तो क्या हुआ? उसकी प्रीत में सच्चाई कहाँ है? और भूत होते हुए भी मैंने सच्ची प्रीत की, चल करते हुए दिल कांपता है। तुम्हारी प्रीत सच्ची है, तुम्हारी चाहना खरी है, तभी तुम दोनों का सत बच गया। इसी वजह से मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी भी तुम्हारे पास अवसर है। सारी सच्चाई उसे बता दो, कुछ मत छुपा उसे। मैं कहता हूँ मेरी बात सुनो, मेरी बात बता दो, मेरी बात मानो, 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 मेरी बात मानो। दरअसल मैं हूं तो दूसरा आदमी ही, पर फिर भी तुम्हारा शील खरा है क्योंकि मेरी प्रीत सच्ची है। मंडप के असली पति की प्रीत झूठी है, तभी तो इस रूप से मुंह फिराकर दिसावर के लिए चल पड़ा। ने कितना मना किया कि सच्चाई मत बताओ, फिर भी पूरी सच्चाई बता डाली। माँ बाप को तो रोज की 5 मुहरे और दुकान की कमाई से मतलब है, तो वास्तविक जीवन से उनका कोई भेद नहीं। पर तुम्हें न जगाने पर प्रीत के मुंह पर काली पुत जाती। अगर मैं भी प्रकट न करता तो तुम 5 साल तक स्वप्न में भी न जान पाती। तुम तो असली पति मानकर ही सहवास करती, पर मेरा मन नहीं माना। मैं अपने मन से सही बात कैसे छुपाता? इसके बावजूद अगर तुम्हारी इच्छा न हो तो मैं इसी पल यहां से चला जाता हूं। जीते जी उस और मुंह तक नहीं करूंगा। तुम्हें तड़फा कर मुझे प्रीत का आनंद नहीं चाहिए। पर फिर भी जीवन भर तुम्हारा एहसान मानूंगा, क्योंकि तुम्हारी प्रीत की वजह से मेरे मन का जहर अमृत में बदल गया। अभी तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये भेद प्रकट होने से ठीक रहा या ना प्रकट होने से ठीक रहता। कभी पहली बात ठीक लगती है और कभी दूसरी। अरे प्रसव वेदना को भला बांझ क्या समझे? इस पीड़ा में ही कोख का चरम आनंद निवास करता है। सच्चाई और कोख के सृजन की पीड़ा एक सी होती है। इस सच्चाई को छुपाने में न तो पीड़ा है और न ही आनंद। पतिव्रता औरतों के तमाशे मैंने बहुत देखे हैं। अरे डर तो फकत बदनामी का है। भेद खुलने का डर न हो तो स्वयं भगवान भी पाप करने से न चुके। अब जो भी तुम्हारी इच्छा हो जाहिर कर दो, मैंने तो भूत होकर भी कुछ न छुपाया। पराई औरत और पराए मर्द की खातिर किसका मन लालायित नहीं होता, पर सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से पर्दा नहीं हटाया जा सकता। पर पर्दे के पीछे जो होना होता है वो तो होता ही है। सोच समझकर इस बात का जवाब देना कितना दूभर है। माँ बाप की नजरों में घूरा बढ़ने में वक्त लगता हो
बेटी का शरीर बढ़ने में भी कोई वक्त लगे। 10वां साल लगते ही माँ बाप उसके हाथ पीले करके पराए ठिकाने भेजने की चिंता करने लगे। माँ की कोख में समा गई पर इस घर के आंगन में ना समा सकी। अचानक इस हवेली से नारियल आया। मेरी किस्मत घर वालों ने नारियल लौटाया नहीं। पति व्यापार और हिसाब किताब में ही खोया रहता है। उसकी नजर में हंडिया के पैंदे और औरत के चेहरे में कोई फर्क नहीं। फटता हुआ जोबन भी वैसा और फटती हुई मिट्टी भी वैसी। न रथ में पत्नी के मन की बात समझा और न ही रनिवास में। सुना रनिवास भीगी सेज छोड़कर व्यापार के लिए दिसावर चल पड़ा। वापस मुड़कर भी नहीं देखा। सात फेरे वाला पति जबरन रवाना हुआ तो मेरा बस चला नहीं। भूत वाली स्प्रीत के सामने भी मेरा बस कहां चला। जाने वाले को रोक न सकी तो रनिवास में आने वाले को कैसे रोकूं। कहे को कट ही जाते पर मेरी क्या दशा होती। झाड़ी झाड़ी भूत की योनि पूरी करता। उस दिन सुमत सुझी कि तुम्हें लगा नहीं। मुझे तो आज भी विश्वास नहीं होता कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं या कोई आनंद भोग रहा हूं। नमस्कार। ये रात और भी छोटी होती तो कितना अच्छा रहता। सोने सोने में ही आधी जिंदगी गुजर जाती है। अब नींद में तो व्यापार की लेन देन हो ही नहीं सकती वरना दूनी कमाई होती। वैसे कम धन इकट्ठा नहीं किया। बापू बेहद खुश होंगे। अरे खंबा खड़ी सेठ जी। अरे खंबा खड़ी सेठ जी क्या हाल है। ठीक है। गांव से वापस कब आए। गांव से गांव की तरह मुंह ही कब किया था। अरे पिछले हफ्ते गांव में देखा था आपको पैसे दिए थे लेन देन की बात करी थी। अरे क्या बात कर रहे हो सेठ जी। पिछले हफ्ते रुपए दिए थे कारोबार की बात। मैं दिसावर में हूँ तो घर कैसे आ गया।
क्या बात कर रहे हो सेठ जी, रुपए दिए थे? अरे कोई लेते नहीं किए। अरे भाई ना देने पैसे तो बात अलग है, लेकिन हम लोग अरे सेठ जी रहने दो, मेहमानी करते हो। राम राम सेठ जी। राम राम। इनको हमारी कमाई सहन नहीं होती है, ये हमारी कमाई से जलते हैं। अब व्यापार में कमाई में और अधिक मन लगाना है। खम्बागढ़ी सेठ जी, खम्बागढ़ी। अरे आप यहाँ और वहाँ बहू को तो बच्चा। ऐसी बात करते हो भैया तुम? अरे शायद हो गया होगा। अगर ऐसी बात होती तो घर वाले जरूर खबर करते। मैंने 5-7 चिट्ठियां दी पर एक का भी जवाब नहीं आया। अरे भोंदू आदमी इधर आओ, इधर आओ। सेठ जी क्यों खबर करते और किसको करते? उनका लड़का तो तीसरे दिन ही आधे रास्ते से वापस आ गया था। अच्छा, हवेली पर राम की मेहर है, गाजो बाजो व उत्सवों के ठाट है, निवास में घी के दिए जलते हैं। हाँ, हाँ, आपकी शक्ल हुबहू सेठ जी के लड़के से मिलती है। हाँ, भाई विधाता का खेल खुद सेठ जी देखे तो भी पहचान ना पाए। अब बातचीत करने में मालूम हुआ कि शक्ल जरूर मिलती है। हाँ, पर आप दूसरे हैं भैया, माफ करना। खंबा खंबा खंबा, सारे लोग पागल हो गए। भला मैं दूसरा कैसे हो सकता? लगता है कल परसों ही खजाना पड़ेगा। मनन जी आप दुकान संभालिए, मैं गांव जा रहा हूँ। क्या नाम मिला? बहू को ढालू बहुत पसंद है। अब उसको जब यही पसंद है तो अपना क्या जाता है, कौन से इसमें पैसे लगते हैं। मिलती है गर्द से सना है तो क्या हुआ, कहीं कोई दौलत के लालच में माया भी तो नहीं? बापू, मां, अरे काका किशन, खबर सुनी तो सच्ची पर मेरे कहे का विश्वास कौन करेगा? यह अनहोनी कैसे हुई? वो बहू हमारा हम शक्ल। मैं तो 4 साल से दूर दिसावर में था, फिर समझ में नहीं आता कि बहू को गर्भ कैसे रह गया। अरे तुम्हें कुछ तो अकल से काम लेना था। तू है कौन? मेरा लड़का तो तीसरे ही दिन वापस आ गया था। यहाँ आयारी की दाल नहीं गलेगी। 4 साल तक बेशुमार कमाई करके दिसावर से घर आया, इसमें आयारी कौन सी बात है? और फिर तुम्हें तो जबरन भेजा था मुझे। नहीं चाहिए मुझे ऐसी कमाई, और तू मुझे कमाई का क्या रौब दिखा रहा है? जिस राह आया उसी राह सीधे सीधे चलता बन, वरना बुरी बीतेगी। बापू का दिमाग लगता है फिर गया है। माँ तू तो अपने कोख के जने को पहचानती है। काका, उससे उस दिन के ढालों की बात तो पूछो, वो सारा किस्सा बता देगी। उस दिन उसने स्वयं अपने हाथों से तोड़कर खाए थे, आज मैं अपने हाथों से तोड़ कर लाया हूं। एक दफा उससे पूछो तो सही, आप फरमाए तो मैं बाहर खड़े खड़े पूछ लूं। अरे पागल कहीं का, ये समय ढालों की बात पूछने का है? बहु जिंदगी और मौत से जूझ रही है और तुझे ढालुओं की पड़ी है। जिस राह या उसी राह सीधे सीधे दफा हो जा, वरना इतने जूते पड़ेंगे कि कोई गिनने वाला नहीं मिलेगा। चमक। बापू के जूतों की कोई परवाह नहीं, पर सचमुच उस रथ में यही बात मैंने उससे कही थी। बच्चा ठहर गया, बहू की हालत बहुत खराब है, बच्चा कटाकर निकलवाने को भी तैयार नहीं। चलो। अरे भैया माजरा क्या है भाई, एक ही शक्ल के दो पति? दो पति? अरे एक तो 4 साल से रनिवास में हैश कर रहा है, और दूसरा आज ही दिसावर से लौट के आया भाई। बेचारी बहू सारी में प्रसव पीड़ा से करा रही है। खूब तमाशा हुआ भाई। है कि धन्ना सेठ क्या न्याय करते हैं? भाइयों की भला ऐसी बात पे पर्दा कौन डालेगा? मेरे घर का हम आप निपट लेंगे, बस्ती वाले बीच में क्यों टांग अड़ाते हैं? मैं कहता हूँ कि बाहर से आने वाला व्यक्ति छली है, इसे गांव से बाहर निकालो, दिन दहाड़े मकारी नहीं चलेगी। बापू ये क्या पागलपन कर रहे हो? सूरज का तवा तवे को सूरज बता रहे हो?
तुम जितनी भी चाहो पूरी छानबीन कर लो। काका ये सरासर अन्याय है। अरे इन दौलतमंद लोगों को नीचा दिखाने का मौका कब कब मिलता है? मैं तो कहूँ खरा न्याय होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी। अरे भैया हम तो कहें कि वाजिब न्याय होना चाहिए। भैया दो पतियों का रिवाज यहाँ ना चलेगा। नहीं चलो अमीरों का तो फिर भी ठीक है। गरीबों की कैसे नहीं बैठी? तो अपेक्षा नहीं की। चाहे कितना भी दौलत का जोर क्यों ना लगा लो, अर्थी को कान्हा देने वाले किराए पर नहीं मिलेंगे। हम इतनी खुशी की बात और आप खुश नहीं? इस हरामजादे ने न जाने किस जन्म का बदला लिया। बात तो हाथ से छूटती जा रही है, अब कैसे समेटी जाए? रनिवास तो पिछले 4 सालों से रोशन है, ये ढालू वाला किसी तरह मान जाए तो पर्दा पड़ा रहे, वरना हवेली की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। भैया हम तो एक बात कहें, पुख्ता न्याय होना चाहिए। बिल्कुल हाँ। यहाँ से तो सारी बिरादरी की नाक कटती है। अरे 4 साल बाद कोख खड़ते ही एक नया पति आता। मैं भी राम जाने कौन असली कौन नकली। अब किसी को तो झूठा होना ही है ना। बिल्कुल बताओ, मेरी पगड़ी उछाल कर तुम्हें क्या मिलेगा? भाइयों की तरह साथ रहते हैं, वक्त बेवक्त एक दूसरे के काम आते हैं। मेरे बेटे के गुण तुम लोगों से छिपे नहीं हैं। अरे उसके हाथों किसका नहीं हुआ? इतने जल्दी एहसान फरामोश ना बनो, किसी भी तरह ये मामला सुलझा दो। मैं कहता हूँ कि बाहर से आने वाला व्यक्ति छली है, इसे गांव से बाहर निकालो। अरे सेठ जी, दिखती मक्की निकली ना जा सकती यार। और सेठ जी वक्त आने पे तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर भाइयों ये बताओ कि ये पानी की गठरी कैसे बांधी जा सकती है? अरे भैया जब ये आदमी पढ़ पढ़ कर कह रहा है, ढालू वाली बात पूछो, ढालू वाली बात पूछो, ढालू वाली बात पूछो, फिर पूछते क्यों नहीं? ऐसी बातें कैसे पूछी जा सकती है और कौन पूछे? ऐसे समय में कोई किसी के काम नहीं आता, मैं ही पूछ कर आती हूँ। कोई मर्द ये बात पूछता तो हाँ या ना का जवाब भी देती, पर औरत का दिल रखकर भी ये बात पूछने की हिम्मत कैसे जुटा पाई? धन्य है तुम्हारा साहस। ऐसी बातों में औरतें कभी सच नहीं बोलती, मुझे तो दूध में काली भी नजर आती है। अब जो करना है वो आप ही समझो। अरे भाई ऐसे मौके पर ही अब समझ की धार तेज होती है। अरे भैया मैं तो कहूँ कि सूट तो खूब ही उलझा। अब ये रियायत तो राजा के बिना नहीं निपट पाएगा। हम नाहक बीच में क्यों थूक उछाले? ये बात ठीक है। फिर पस्ती राम है। हाँ जो सबकी इच्छा हो सो ही करो। को बांध के राजा के पास ले जाओ। अरे मुझे एक दफा सौरी में जाने दो, माँ बेटी की खैरियत तो पूछ लो, न जाने कैसी तबीयत है। चुप, एक बार फैसला हो जाए तो सारी उम्र खैरियत पूछनी है, इतनी जल्दी क्या? बिल्कुल चलो चलो। भाई मेरे न्याय तो राम जाने क्या होगा, पर तू अच्छी तरह जानता है कि सेठ का असली लड़का मैं ही हूँ, साथ फेरे खाने वाला भी असली पति मैं ही हूँ। बैठे बिठाए कैसे मुसीबत आ पड़ी, कैसा झमेला है, बता मुझे तो बता तू है कौन? मैं औरतों की देह के भीतर का सूक्ष्म जीव हूँ, उनकी प्रीत का मालिक हूँ। व्यापार और वस्तु की बनिस्पत मुझे मोह प्रीत की लालसा अधिक है। फालतू बकवास क्यों करता है, साफ साफ बता मंडप में तूने विवाह किया था क्या? वक्त विवाह करने से क्या होता है, विवाह की दुहाई उम्र भर नहीं चलती। व्यापार वस्तुओं का होता है, प्रीत का नहीं। अरे तुम तो प्रीत का भी व्यापार करने लगे, इस व्यापार में ऐसी ही बरकत हुआ करती है। आखिर माजरा क्या है, इतने सारे लोग इकट्ठे होके कहां जा रहे हो? लगता है मिट्टी भोज खाने के लिए कारवा निकला है। छोड़े देख, बात ऐसी है, ये दोनों है, समझ गया? समझ गया। मामला इतने अदने से काम के खातिर बेचारे राजा को क्यों तकलीफ देते हो?
ये झमेला तो मैं ही निपटा दूंगा, तुम्हें मेरी आंखों की कसम, जो एक कदम भी आगे रखा तो, अरे ठंडा पानी पियो, थोड़ा आराम करो। कोई माई का लाल ये न्याय नहीं निपटा सका तो चले जूते फटकार तेरा जाके बात है। भैया ये बात भी ठीक है, अभी राजमहल बहुत दूर है। हाँ अगर इसकी अकल से कुछ काम निकल जाए तो हर जी का क्यों। हाँ आगे तो जाना। हाँ भैया बैठो बैठो। हाँ भैया बताओ 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 बताओ। हाँ बिल्कुल एक सी शकल, बाल जितना भी फर्क नहीं। चंचल विधाता ने भी कैसा मजाक किया। अरे मूर्ख लोगो, तुम्हें इन्हें इस तरह बांधने की क्या जरूरत थी? इस भीड़ से बचकर ये बेचारे कहाँ जाते? कहीं ये घूंगे बहरे तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ये दोनों तो बेधड़क बोलते हैं, बेधड़क। अरे तो मैं कार का चक्कर क्यों लगाया, इनसे वहीं पूछ लेते, दोनों में से एक तो झूठा है ही। अरे ये इतनी अकल होती तो भेड़ों के पीछे लाठी लेके क्यों दौड़ता? समझ गया समझ गया, बोलना तो जानते हैं पर साथ ही झूठ बोलना भी सीख गए। पर कोई बात नहीं, झूठ को बाहर निकालना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अभी गले में तड़ा डालकर हाथों में फंसा सच बाहर ले लेता हूँ। बताओ बोलो आज किसके गले में घुसेड़ू तड़ा, और जो पहले मुंह खोलेगा वही सच्चा। अरे वाह पट्टे, तुझ जैसे सच्चे आदमी को इन मूर्ख लोगों ने इतना परेशान किया है। पर मन की तसल्ली बड़ी बात, थोड़ी बहुत भी शक की गुंजाइश क्यों रहे है? अब एक फर्क और करूंगा, मैं 7 तालियां बजाऊं तब तक इन तमाम भेड़ों को घेर कर जो खेजड़ी के चारों ओर इकट्ठा कर दे वही सच्चा है। शाबाश, इतना जोश और इतनी ताकत एक सच्चे पति के अलावा किसमें हो सकती है? बोलो अब एक आखिरी न्याय और करूंगा है, मेरी 7 चुटकियों के साथ जो इस जंगल में घुस जाए वही रनिवास का असली मालिक। पर मेरे न्याय को जो गलत बताएगा उसके गले के खातिर मेरे तड़े का एक झटका ही काफी, ध्यान रखना है। न्याय करने में ये देर लगी, छागल तो मेरी भी जाएगी, पर न्याय करना मंजूर किया तो कुछ सोच विचार कर ही। बोलो हुआ कि नहीं खराब है? बापू मुझे तो बाहर निकाल दो, मैं बाहर आना चाहता हूँ। अरे बापू आप चलो इसे मिलकर नदी के हवाले कर दे। चलो खंबा खड़ी सेठ जी, अरे मैं कोई राजा थोड़ी हूँ जो हर काम की कीमत वसूल करूँ। मैंने तो विकट का आकार निकाल दिया, और फिर ये सोने की अंगूठी ना मेरी उंगलियों में आती है और ना मेरे तड़े में। इस बेकार की वस्तु को आप ही संभालिए खंबा खड़ी से। इसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं है, छागल में घुसने के बाद भूत बहुत चिल्लाया बहुत गिड़गड़ाया, पर हम ऐसे नादान कहां जो उसे छोड़ते। नदी के हवाला किया वैसे ही उसका चिल्लाना बंद हुआ, हरामजादा अब किसी को ऐसे तंग नहीं करेगा। बेटा जरा बाहर आना तो लाओ बच्ची को बहू को दे आऊं। Yeah.